अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन कंपटीशन एजुकेशन बीट्स के मंच पे। एजुकेशन बीट्स अपनी पहली वर्षगांठ पर लाया है आपके लिए एक बड़ा मौका। एजुकेशन बीट्स आपको दे रहा है एक शानदार अवसर। अगर आप मेहनत करता तो एजुकेशन बीट दे रहा है आपको कुछ कर दिखाने का चांस। अगर आप में है हुनर तो हम देंगे आपको एक नई पहचान। जुड़िए अस्तित्व के साथ। स्केच, पेंटिंग, कार्टून, क्रिएटिव टेक्स्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, पोएम राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, विशेष कार्ड मेकिंग, फेस पेंटिंग, डूडल मेकिंग, रंगोली, कलश डेकोरेशन, वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट। प्रतियोगिता से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.educationmeets.com पर। प्रतियोगिता के विजेताओं को आकर्षक इनाम और सभी प्रतिभागियों को एजुकेशन मीट्स की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। भगवान कृष्ण की सामाजिक भवन में पूजा अर्चना। देखिए हमारी खास खबर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सारनगढ़ के यादव समाज के महिला पुरुष बच्चों सहित बुजुर्गों ने भी श्री कृष्ण भगवान की आराधना की और पूजा अर्चना कर हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया। हालांकि इस वर्ष पिछले वर्षों की भांति भव्यता नहीं दिखी, जिसका मुख्य कारण कोरोना का नगर क्षेत्र में बढ़ता हुआ प्रसार है। समाज के बड़े नामों ने बताया कि कोरोना संकट के बीच उन्होंने शासन के द्वारा जारी किए गए कोविड 19 के नियमों को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। कहा कि लोग भी कोरोना संक्रमण खतरे के बीच पूरी सावधानी से जन्माष्टमी का पर्व मनाए। भगवान से आग्रह निवेदन करें कि कोरोना के संकट से छुटकारा दिलाए। अजय गोपाल यादव व अरुण गुड्डू ने लोगों को संदेश व कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना पूरे सच्चे मन भाव भक्ति से करें और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मुंह पे मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें।